ये थी गुड न्यूज। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि अभी वो फुल टाइम पोजीशन नहीं है, तो पी हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज नेक्स्ट मींस लाइक मैं क्या कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों को, आपको जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बीसी में हूं, तो मैं बीसी में एक्चुअली ट्राई करने गया था कि जॉब्स वगैरह का क्या है, कैसे है। बट अल्टीमेटली मेरे को यही लगा कि वैंकूवर वगैरह वो जगह तो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उतना ही वहाँ पे आपको क्योस है लाइफ में, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आपने वर्क परमिट लेने के लिए इतना बॉर्डर पे गए, ये किया वो किया, इतना जल्दी क्यों चाहिए था? तो बॉर्डर पे जाने का रीज़न था मेरा क्योंकि मुझे मेरा वर्क परमिट कहीं पर सबमिट करना था, ठीक है। तो एक जगह प्री रिक्विजिट था कि आपको पहले वर्क परमिट हो, देन ओनली वी विल कंसीडर। और दूसरा, मैं एक्चुअली गया था, मैं मेरे कॉलेज में बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा था, पर पहले मेरे को पता ही नहीं था कि जब तक स्टूडेंट हो आप, तब तक जनरली वो हायर नहीं करते हैं आपको, चाहे आपकी पिछली क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कुछ भी रहा हो। तो वंस माई प्रोग्राम वॉज कम्प्लीटेड और वर्क परमिट आ गया, तो मैंने कॉलेज में, हमारे में प्रोफेसर की जगह निकली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अप्लाई कर देते हैं। तो और उसी बीच में मैं आपको, हाँ, एक और जो लोग मेरे लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं उनको तो पता है, ठीक है, लिंक्डइन पे काफ़ी लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो उनको पता है कि मैंने अभी जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम था, जो पढ़ाई थी, वो ख़त्म हुई, तो उसके एक हफ्ते के अंदर ही मैंने PMP सर्टिफिकेशन के लिए डाल दिया था और वो कर लिया। तो पिछली 30 अप्रैल को मेरा PMP सर्टिफिकेशन आ गया था। तो वो आते ही फिर मैंने कॉलेज में बताया कि भाई मैंने तो PMP सर्टिफिकेशन भी कर लिया है, अब मैं तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, वर्क परमिट भी मेरा आ गया है। तो फिर जो मेरा जो प्रोसेस था प्रोफेसर के लिए, वो थोड़ा एक्सपीडेट हुआ और कॉलेज वालों ने मेरे को यहाँ पे जो है, जैसे होता है पार्ट टाइम, तो एक होता है पार्ट टाइम, दूसरा होता है पार्शियल लोड, और फिर होता है फुल टाइम। तो मेरे को पार्शियल लोड प्रोफेसर की पोजीशन जो है ऑफर की है। तो कल से नया सेमेस्टर चालू हो रहा है, तो मैं मेरे कॉलेज में ही स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पेपर है वो पढ़ाऊंगा। तो ये थी गुड न्यूज़। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि अभी वो फुल टाइम पोजीशन नहीं है, तो PR के लिए कुछ भी नहीं है अभी वो हेल्प कर पाएगा मेरा, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, कम से कम आपको जो, अगर आप ऐसे बोलो कि मेरे जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है उसकी थोड़ी शुरुआत हो गई, क्योंकि ये पहली जॉब ऐसी मिली है मुझे जिसमें कि मिनिमम वेज नहीं। और दूसरा ये है कि जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई आप वहाँ से छोड़ के आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो देखो आप, आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको रिकग्नाइज होने में, लेकिन आप सही जॉब के लिए अप्लाई करोगे, सही मीडियम से अप्लाई करोगे और सही लोगों को अप्रोच करोगे विद पॉजिटिव माइंडसेट, तो देयर आर चांसेस यू विल गेट अ जॉब सूनर और लेटर। तो मैं भी काफ़ी टाइम से जॉब्स तो अप्लाई कर ही रहा था, लेकिन ये था कि जब तक जॉब नहीं मिली थी तो मैंने वो सारी जॉब्स करी जो कि जिनमें आपको मिनिमम वेज होता है, वो सब भी किया मैंने, ठीक है। तो जब तक आप स्टूडेंट हो, मेरी सलाह यही है कि जब तक आप स्टूडेंट हो, अनलेस आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली का बिजनेस नहीं है कनाडा में जो आपको परमानेंट टाइप्स की जॉब या थोड़ी सी मतलब ओवर द मिनिमम वेज जॉब अगर आपको ऑफर कर सकता है, तो बी रेडी टू डू द मिनिमम वेज जॉब्स। तो उसमें आपको कम से कम ये है कि जो बेसिक आपके जो खर्चे हैं वो चलते रहेंगे, और जब तक आपकी पढ़ाई पूरी होती है तब तक आप फोकस रखो पढ़ाई पे। देखो, मैंने अब आपको, मेरा तो फ्री के ज्ञान का सेक्शन होता है एक हमेशा हर वीडियो में, तो ये फ्री के ज्ञान का सेक्शन ये है कि लोग बोलते हैं कि हमें PMP के लिए 2 महीने पढ़ना है, 4 महीने पढ़ना है, 5 महीने पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है, फिर PMP सर्टिफिकेशन करेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं कि मैंने मेरे कोर्स के टाइम पे जो भी पढ़ाई की वो पढ़ाई की, और पिछला लेकिन एक महीना
वो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, और मतलब पूरी और मेजर उसमें कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है। एक तो पीएम बुक करके जो गाइड है, पीएमआई की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो गाइड है, गाइड बुक है, वो ले लो आप। और एक एजाइल का, क्योंकि अभी क्या है, इन्होंने जो नया, जो इस बार से जो 2022 से जो पीएमपी सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस इन्होंने चेंज कर दिए हैं। चेंज इन द सेंस कि उसका जो फोकस है ना, वो चेंज कर दिया। पहले जो वाटरफॉल मॉडल्स होते थे ना, कि भाई कि ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा और क्या करता है, वो सब पे अभी एम्फेसाइज थोड़ा सा, हल्का सा कम है, और ज़्यादातर जो बातें अब स्क्रम और अजाइल के बारे कर रहे हैं। तो अजाइल, अगर आप अजाइल की बुक्स हैं या अजाइल के जो भी आपको नोट्स वगैरह कहीं से मिलते हैं, अजाइल के बारे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, इफ़ यू यूज़ दैट, दैट वुड बी गुड टू पास द सर्टिफिकेशन। तो मेरे को जो लोग मुझे वैसे मतलब पर्सनली पहचानते हैं, या लिंक्डइन पे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने कैसे कर लिया, क्या किया, क्या तैयारी की, तो तैयारी कुछ भी नहीं थी, तैयारी नॉर्मल है। आप जब, क्योंकि जैसे मेरे कॉलेज में जो कोर्स हो रहा है, जो पढ़ाते हैं, उसमें 12 पेपर पढ़ाते हैं। वो 12 पेपर अगर आपने पढ़ लिए ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप सिंपल सीधे सुबह उठ के जाओ और पीएमपी दे के आ जाओ, और आपको शाम को आ जाएंगे। अब जैसे मेरे, आई हैव गॉट अबव 90% स्कोर, आई थिंक इट इज़ मोर देन 90%, तो वो अपने आप ही आया, इतना कोई खास नहीं है। इवन नाउ आई एम ट्राइंग टू डू द एजाइल सर्टिफिकेशन एज वेल। तो एजाइल सर्टिफिकेशन का भी मेरा कुछ दिनों में, देखो फिर उस पर बताऊंगा कि आपको के कैसे क्या करते हैं। बट हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मेरा जो पीएमपी सर्टिफिकेशन जो मैंने किया, वो करने के लिए उसमें आपको पुराना एक्सपीरियंस अगर आपका है, देन ओनली यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल। अदरवाइज आपको जो है उसका पीएमपी से जो बेसिक सर्टिफिकेशन है वो करना पड़ता है, या कहीं से और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि उसके पीडीयू बोलते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के जो आवर्स होते हैं, वो जो जो नंबर ऑफ आवर्स चाहिए उन्हें, 35 आवर्स के आसपास आपको करना पड़ता है वो। तो वो आपको वो करना पड़ेगा अगर आपने पुराना एक्सपीरियंस नहीं है तो। अब जैसे मेरा पुराना एक्सपीरियंस था प्रोजेक्ट्स का ही, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स था, आई यूज़ टू हैड बीआई एंड एनालिटिक्स। तो जितने भी बीआई में जो डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट किया था हमने, फिर रिकमेंडेशन के लिए एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट किए थे, तो वो एक आध मैंने डाल दिया उसमें। तो देन दे रिव्यू ईच एंड एवरी एप्लीकेशन एंड देन दे अप्रूव इट। तो मेरा वो अप्रूव हो गया। फिर अप्रूव होने के बाद फीस जमा करो, और फीस जमा करते ही आप जो है आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि जो फीस है वो पीएमआई मेंबर्स के लिए, जैसे मैंने, अच्छा लाइक सिंस ये यूट्यूब है, ये लिंक्डइन नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। तो लिंक्डइन पे मैं उस टाइप के ज्ञान की बातें जनरली करता हूँ, यूट्यूब पे मैं नॉर्मली प्रोसेस वगैरह ही बताता हूँ। तो पर फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर आप पीएमआई मेंबरशिप लेते हो स्टूडेंट वाली, तो $32 की है, $32 की, $32। तो वो आप ले लोगे तो देन यू विल गेट रिबेट एंड डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, अगर आपने उनसे कोई कोर्स करना है तो उस पर भी। और आपको पीएम बुक जो गाइड है वो आपको फ्री मिल जाएगा, उसका डिजिटल वर्जन, प्लस आपको जो फीस है उसमें कम हो जाएगी सर्टिफिकेशन की फ़ी, ठीक है। तो ये सब सारे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं उनका, काफ़ी सारा लिटरेचर ऑनलाइन है, अगर आपको टाइम है, एफर्ट कर सकते हो तो करो। एंड आई कैन सी देर आर सम, यू नो, 200,000 जॉब्स विच आर रिलेटेड टू पीएमपी, एंड लाइक दे लाइक एवरी वन, लाइक एवरी अदर सॉफ्टवेयर कंपनी, दे जनरली आर लुक फॉर द पीएमपी सर्टिफिकेशन। अगर आपने, जैसे अगर आपने कैम्ब्रियन से या किसी भी कॉलेजेस से, जो जो ऑन्टारियो कॉलेजेस हो गए या कोई यूनिवर्सिटी हो गई, आपने कोई आईटी बिजनेस एनालिसिस का कोर्स किया है, ठीक है, साथ में आप पीएमपी कर लोगे, तो या आपने पीएम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो उसके साथ में अगर आप पीएमपी कर लोगे, तो देन योर चांसेस टू गेट अ जॉब आर हायर, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा जो अब तक का, आज तक का ज्ञान हो गया। कल से यही ज्ञान अब मैं कॉलेज में देने वाला हूँ बच्चों को, कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ग्राउंड रियलिटीज एक्चुअली। तो आई विल बी टेकिंग क्लासेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ टू यू नो मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड डू ऑल अदर थिंग्स। दैट्स इट।
एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रियन कॉलेज, सून आई विल सी यू देयर. थैंक यू वेरी मच.